आईएसएल सीजन 6 का नंबर 13 मैच हुआ दोस्तों, नॉर्थ यूनाइटेड एफसी वर्सेस एफसी गोवा। लेकिन दोस्तों इस मैच पे एक फ्री किक के चलते मैच ड्रॉ हो गया था लास्ट मोमेंट में जाकर। लेकिन दोस्तों यहां पर फ्री किक मिलना चाहिए था नॉर्थ यूनाइटेड एफसी को और मिल गया एफसी गोवा को। तो दोस्तों क्यों एफसी गोवा को फ्री किक मिला है मैं आपको इस वीडियो में 100% क्लियर करके बता दूंगा और नियम क्या है दोस्तों वो भी आपको पता चलेगा। साथ साथ और भी बहुत सारा न्यूज आया आईएसएल और इंडियन फुटबॉल से जुड़े वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिटॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस एपिसोड में मैं आपको आईएसएल सीजन 6 के साथ साथ इंडियन फुटबॉल से जुड़े कुछ नया अपडेट निकल के आया है वो भी बताऊंगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेंगे एफसी गोवा और नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के बीच जो फ्री किक का मामला है उसको लेकर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पूरा वीडियो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फास्ट क्या हुआ ना, मार्टिन चावस को किक दिया यहाँ पर लेन डोंगल और मार्टिन चावस यहाँ पर ग्राउंड में गिर गया। लेकिन दोस्तों उतना ज़्यादा इफेक्टिव चोट नहीं था, फिर भी दोस्तों वहाँ पर थोड़ा बहुत एक्टिंग मार्टिन चावस ने किया कि यहाँ पर हमें फाउल मिल जाए। तो दोस्तों जिसके चलते वहाँ पर तो फाउल मिला, आप लोग देख सकते हो कि बॉल था एफसी गोवा के लिए, लेकिन दोस्तों मार्टिन चावस वहाँ पर टाइम पास कर रहा था बॉल को लेकर और इसीलिए लेन डोंगल ने छोटा से किक दिया मार्टिन चावस को और इसीलिए मार्टिन चावस थोड़ा बहुत एक्टिंग करने लग गया और ग्राउंड में गिर गया। और इसके तुरंत ही बाद दोस्तों यहाँ पर लेन डोंगल को फटाक से रेफरी ने रेड कार्ड दिखा दिया और यहाँ पर परेशानी खड़ा हो गया एफसी गोवा के खेमे में। तो दोस्तों एफसी गोवा का सारा खिलाड़ी हैरान हो गया था कि इतना छोटा सा टैकल के लिए यहाँ पर रेड कार्ड, अगर येलो कार्ड दे देता तो भी ठीक था, लेकिन रेड कार्ड यहाँ पर देना नहीं चाहिए था रेफरी को। और इसलिए दोस्तों बहुत ही क्रोधित हो गया था एफसी गोवा के सारे खिलाड़ी। और दोस्तों इसी बीच फ्री किक का जो इंसिडेंट वही हो गया, लेकिन दोस्तों आपने वहां पर नजर नहीं दिया, आप लोग सिर्फ देख रहे थे कि रिदिम तलंग रोक रहा है लेन डोंगल को। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का डिफेंडर काई हेरिंग्स बेंच से उठ के आकर हुगो के साथ लड़ाई शुरू कर दिया था और इसीलिए दोस्तों जहां पर से आप लोग देखेंगे कि फ्री किक लिया गया वहीं पर वही इंसिडेंट हुआ था हुगो के साथ काई हेरिंग्स का। और इसीलिए दोस्तों उस चीज के लिए एफसी गोवा को फ्री किक मिला था, ना कि दोस्तों यहां पर रेड कार्ड का मामला था। यहां पर रेड कार्ड तो मिला दोस्तों लेन डोंगल को, लेकिन दोस्तों उसके लिए फ्री किक नहीं है, यहां पर हुगो के साथ मुठभेड़ हो गया था काई हेरिंग्स का। काई हेरिंग्स बेंच से उठ के आकर उनके साथ लड़ाई शुरू कर दिया था और इसीलिए दोस्तों ये फ्री किक गया एफसी गोवा के हित में। तो दोस्तों यही रहा इस चीज का सच्चाई, मैंने आपको बता दिया, आप लोग अगर ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जिस पोजीशन से फ्री किक लिया गया था वहीं पर हुगो के साथ काई हेरिंग्स का इंसिडेंट हुआ था और दोस्तों पूरी तरीके से फेयर डिसीजन था रेफरी का, यहां पर रेफरी का कुछ भी दोष नहीं है। तो दोस्तों आप लोग अब समझ चुके होंगे कि क्या चीज़ था इस फ्री किक के पीछे। चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट दोस्तों हैदराबाद एफसी से जुड़े। तो दोस्तों हैदराबाद एफसी के लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है कि उनका बैक टू बैक होम मैच होने वाला है 2 नवंबर, यानी कि आज केरला वेस्टर्न एफसी के साथ उनका होम मैच होगा। फिर से 4 दिन बाद दोस्तों 6 नवंबर को नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के साथ उनका होम मैच होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इनका फायदा क्या है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर हैदराबाद एफसी बूस्ट हो सकता है, अपने होम ग्राउंड पर खेलेगा, उनके पास कॉन्फिडेंस होगा। साथ साथ दोस्तों अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर देता है आज के मैच पे तो शायद और भी कॉन्फिडेंस इनका बढ़ जाएगा और नेक्स्ट मैच पे एक टक्कर का मुकाबला दे सकता है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी को। और इसके बाद दोस्तों एक और गुड न्यूज है जो कि दोस्तों बड़ा गुड न्यूज। तो दोस्तों प्री मैच कॉन्फ्रेंस हुआ था कल ही, जहां पर दोस्तों यहां पर फिल ब्रॉन ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया कि जितना भी उनका इंजर्ड प्लेयर है वो बहुत जल्दी रिकवरी कर रहा है, शायद इस मैच को मिस कर सकता है, लेकिन दोस्तों सेकेंड मैच जो होने वाला है 6 नवंबर को नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के साथ, उस मैच पे बोबो अवेलेबल हो सकता है, ऐसा हिंट दिया है उनके हेड कोच ने, जो कि दोस्तों उनके लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज है। यहाँ पर अगर बोबो फील्ड में आ जाता है तो दोस्तों रॉबिन सिंह के लिए ज़्यादा चांस क्रिएट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों कल हमें एक थोड़ा सा हिंट मिला है बोबो के बारे में जो कि हैदराबाद एफसी के लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है। साथ साथ दोस्तों एक और न्यूज़, आज जो होम मैच होने वाला है वहाँ पर दोस्तों राणा मौजूद रहेगा स्टेडियम में, जो कि दोस्तों शायद हैदराबाद एफसी का कॉर्नर बन चुका है राणा, तो वो आज तो कंफर्म वहाँ पर मौजूद रहेगा उस मैच पे हैदराबाद एफसी को सपोर्ट करने के लिए। तो मैं आपको एक छोटा सा अपडेट था ये भी बता दिया यहाँ पर। और इसके बाद दोस्तों आप लोग मुझे पूछ रहे थे एटीए का जो सरसराज का इंजरी हुआ है उसके बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एटीए का नेक्स्ट मैच 9 नवंबर जमशेदपुर एफसी के साथ होने वाला है, तब तक शायद वो फिट हो जाएगा, उतना गहरा उनका इंजरी नहीं है और बहुत जल्दी वो कमबैक कर लेगा फिर से फील्ड में। और 9 नवंबर को मैच है दोस्तों, बहुत टाइम है, उस टाइम में वो शायद रिकवरी कर जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, अगर एटीए का जो होम ग्राउंड मामला है उसके बारे में मुझे बहुत सारा कमेंट आया कि वहाँ पर बहुत सारा फेक न्यूज़ फैला हुआ है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी न्यूज़ नहीं है कि एटीए का वो होम ग्राउंड बनेगा जादापुर का स्टेडियम, वहाँ पर रोड भी ठीक ठाक नहीं है, रोड का कंडीशन बहुत ही ख़राब है। तो दोस्तों वहाँ पर अगर ठीक ठाक रोड का कंडीशन नहीं रहा तो
खिलाड़ी जाने आने में बहुत ही दिक्कत होगा। वहाँ पर दोस्तों उतना ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंटल भी नहीं है कि वहाँ पर बड़े बड़े फुटबॉल मैच किया जाए। तो मुझे इस तरह से मेरा कमेंट से मुझे पता चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों इसके बारे में अभी तक कुछ कन्फर्मेशन मुझे नहीं मिल रहा है, और जैसे ही इसके बारे में और भी कुछ अपडेट मुझे मिलेगा मैं आपको ज़रूर एक बार बताऊँगा। और इसके बाद चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ नेशनल फुटबॉल न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों पहला अपडेट फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जैसा कि इंडिया में ही होने वाला है 2020 में, आपको पता ही होगा, और उसका ही दोस्तों ऑफिशियल एम्बलम लॉन्च आज होने वाला है 2 नवंबर मुंबई में शाम 6:30 बजे। और जैसा ही दोस्तों सामने आ जाएगा मैं आपको इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बता दूंगा। तो आप लोग फटाफट डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहां पर ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है पेज का, साथ साथ पर्सनल अकाउंट का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग फटाफट फॉलो कर लीजिए। और इसके बाद चलिए AFF की तरफ से रेफरी को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कल के रिव्यू वीडियो में मैंने आपको एक बार हिंट दे दिया था कि एफबी टॉक के एपिसोड में आपको अपडेट मिलेगा, और मैं आपको अभी वो बता रहा हूँ। तो दोस्तों कल ही AIFF ने एक MOU साइन किया है जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन के साथ, यानी कि दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और दोस्तों इसके तहत बहुत सारा चीज अब दोनों फेडरेशन मिलकर करने वाला है। तो दोस्तों पहला जो चीज हमारे काम का चीज वो है दोस्तों डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रोफेशनल रेफरीज टू इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर रेफरी को प्रोफेशनली ट्रीट किया जाएगा, प्रोफेशनल उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि किस तरह से हैंडल किया जाता है सिचुएशन को, किस तरह से राइट डिसीजन दिया जाता है, और भी दोस्तों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेफरी को तैयार करने का जो प्रोसेस होता है वो इंडिया में चालू होगा जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन के साथ। साथ साथ दोस्तों कोच एडुकेशन भी चालू होगा ग्रास रूट लेवल से, तो दोस्तों एक अच्छा बात है। उसके बाद एक टैलेंट स्काउटिंग एंड प्रमोशन भी होगा दोस्तों इसके तहत, और भी बहुत सारा चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो सबसे और काम वाला चीज़ है दोस्तों रेफरी का जो डेवलपमेंट है वो अभी AIFF सोच रहा है, और दोस्तों बहुत एक अच्छा चीज़ है इंडियन फुटबॉल के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।